तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो यार काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एनी स्पोर्ट्स की सारी अपडेट आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो सबसे पहले हमारे को निंजा की अनाउंसमेंट देखने को मिली, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है मोगो स्पोर्ट्स, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद वो हमारे को बात करते हुए दिखाई देते कि क्यों उन्होंने सोल को लीव किया था, तो उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। मतलब छोड़ा, देखो मतलब छोड़ा तो क्या है, मतलब लाइक कुछ सिनर्जी एंड ये सब अच्छे से मिल नहीं रही थी और जम नहीं रहा था सिनर्जी इतना, और उन लोगों को मेरे साथ मोस्टली जम नहीं रहा था क्योंकि उनका ये ही कहना था कि मतलब जम नहीं रहा था। मैं भी थोड़ी ना फोर्स करूँ किसी को कि ठीक है चलो मैं ट्राई करता हूँ या खिला लो, ऐसा थोड़ी ना कुछ चलता है। मैं उनकी वो बातों को चलो रेस्पेक्ट किया कि मतलब अगर किसी के साथ मेरा जम नहीं रहा तो मैं क्यों ही खराब करूँ उनका, है ना, ये अच्छी बात थोड़ी ना होती है। तो फिर ऐसे मतलब फिर वो लोगों ने नए प्लेयर्स ट्राई आउट किए। अब स्किप्स गया भाई, कॉन्गो स्किप्स को कल ही स्किप्स से मिला था मैं, कल सौम्य और स्किप्स से ही मिला था मैं इधर पास में ही। तो बस अभी अच्छा खेल रहे तो ऑल द बेस्ट भाइयों को। एंड इसके बाद वो बात करते हुए दिखाई देते हैं गॉडलाइक से रिलेटेड, जहाँ पे वो बात करते हैं उनको स्टोरीज पे गाना लगा के ट्रोल करने से रिलेटेड, एंड साथ में वो अप्रिशिएट भी करते हुए दिखाई देते हैं गॉडलाइक को, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। और एक टीम को मैं बोलना चाहूंगा हेड्स ऑफ गॉडलाइक, उन्होंने भी प्रूफ किया इतने टाइम से वो लोग भी ट्राई कर रहे थे। होता है कभी कभार यार, कभी कभार ना लक या तुम मेहनत करते हो बट लक साथ नहीं देता, कुछ ना कुछ एक फैक्टर रहता है जो साथ नहीं देता, इसलिए वो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे बट उन्होंने भी प्रूफ किया। पंख पंकुड़ी तो भाई बहुत ही तगड़ा था, एडमिनो सिम जॉनी बहुत बढ़िया खेले भाई लोग, बहुत मजा आया मतलब देख के, अच्छा ही खेले। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है ये हमारा चलता रहता है ट्रोल रोल वो गाने गाने पे, उस पर कुछ बीटी नहीं है, वो तो गेम का पार्ट है, इसमें तो क्या ही है। बट हाँ एज ए स्पोर्ट्समैन सिर्फ उन्होंने अच्छा खेला तो अप्रिशिएट करना बनता। एंड इसके बाद काफी लोग सेंसेस से बोल रहे थे कि उन्होंने स्काउट के साथ टीम क्यों बनाई एंड वो K9 ई-स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने वाले हैं, तो इन दोनों पे उन्होंने बात करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। ज्वाइनिंग K9 नहीं, नहीं मैं K9 ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली स्काउट के साथ खेल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मुझे बताया आप में से जो बोल रहे होंगे कि स्काउट ये है वो है, भाई वेट करो थोड़ा टाइम आने दो। मैं बोलता हूँ कि यार मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ लौंडे बेकार थे, वो भी ठीक थे, लेकिन मेरे हिसाब से स्काउट कभी एक IGL नहीं था, वो एक असॉल्टर बहुत अच्छा है, वो एक फिल्टर बहुत अच्छा है, और उसका जो प्लेयर्स थे वो 3 अंडरडॉग्स थे मतलब कह सकते हो, ठीक है, और अगर नहीं था उसमें से कोई तो भाई उन प्लेयर बुरा मत मानना कि साइंस ने हमें अंडरडॉग कह दिया, भाई मैं भी अंडरडॉग ही हूँ, मैं भी ऑफिशियल बाहर हो गया हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसका तब टाइम सब चीज़ें सही नहीं थी और उसका परफॉर्मेंस भी आया नहीं आया तो आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा वेट करो, वो भी अब बैक ऑन ट्रैक है, मेहनत करता है और बस देखते हैं बढ़िया जाएगा आई होप। एंड इसके बाद काफ़ी लोग जो सिड है उनसे ये चीज़ पूछ रहे थे कि जब उन्होंने लाइनअप को चेंज किया तो वहाँ पे उन्होंने डेस्ट्रो की टीम को क्यों नहीं लिया था, तो इसके ऊपर हमारे को सिड एंड मोर्टल रिप्लाई करते हुए दिखाई देते हैं उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है एक खेल लेते हैं, अंकिता आ रही जब तक। Why didn't you guys go for मस्करा पे पहुंची है। Why didn't you guys go for Destro's lineup after BMPS 2023 even though they win BGS? अरे वो लोग eBay पे लिस्ट नहीं हुए थे तभी, पूछा था वो लोग को, Amazon भी चेक किया था मैंने, आई थिंक स्नैपडील पे थे बट स्नैपडील का अकाउंट नहीं था मेरे पास। और Flipkart पे महंगे थे बहुत। Flipkart पे हाँ वो Flipkart पे वो कोड काम नहीं कर रहा था। बाबा मेरी बात समझो, एक तुम लोग को क्या लगता है ये ई-स्पोर्ट्स क्या होता है कि किसी को भी उठा लो किसी को भी ले लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है गाइज ऐसा नहीं होता। हम लोग एक तरीके से करते हैं, जो पुराना लाइनअप भी बनाया था बायआउट्स सब कुछ एग्रीमेंट्स लेके हुआ था वो चीज, तो इट्स नॉट दैट सिंपल जितना तुम लोग को लगता है कि नो उठा लिया ले लिया बंदा है तो ले लिया, इट डजंट वर्क दैट वे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, if you want our esports to be at an international level every org in the country has to act like an international org where these things do not happen internationally, players are not just taken lineups se waise uthate nahi, theek hai। I'm just wondering because they left gladiator so it was either manya's lineup or destro's, no it wasn't। abhi sid bhai aapne ye jo bola is pe ek hater kaise dikhega malum hai batao। सिड भाई क्या बोले, इंटरनेशनल में ऐसे होना चाहिए, फिर आपका पास्ट क्लिप निकाल के लगा देंगे बोलेंगे ऐसे। एंड इसके बाद काफी लोग जो सेंस है उनसे ये चीज बोल रहे थे कि अक्षत को ट्राई करो अपनी टीम में, तो इस पे उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। ट्राई करो अक्षत को यार, ऑप्शन तो सही है लेकिन अक्षत सीजी
अक्षत सीजी का पार्ट है ना गाइस, अभी तक उसने छोड़ी नहीं है सीजी, शायद छोड़ दिया ना छोड़ उसमें, दिए। हाँ उसने डाला था। और मेरा मानना ये कि यार मैं अक्षत को ट्राई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी स्काउट है जिसके शूट वगैरह रहते हैं, तो वो 100% दे नहीं पाता कभी कभार, मतलब एबसेंट रहता है ये वो, लेकिन वो पूरा ट्राई करता है, जब भी शूट नहीं होता वो डिले भी करता है ये करता है, तो वो आता खेलने। और अक्षत मेरे हिसाब से भी, अक्षत का थोड़ा ऑन ऑफ सीन रहेगा क्योंकि उसके फैमिली सिचुएशन, मतलब क्या बोलते हैं, बिजनेस है उसका और उसे उधर भी ध्यान देना पड़ता है। एंड इसके बाद जो थग हैं वो बात करते हैं ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के बारे में, जहाँ पे वो सारी चीज़ों से रिलेटेड बात करते हैं कि क्या चीज़ें खराब चल रही हैं, एंड अपने ब्रॉडकास्ट के ऊपर एक बड़ा सा मैसेज डालते हैं। एंड मैं आप लोगों को यार वो पूरा AI के थ्रू बता देता हूँ, एंड वो वाली क्लिप आप देखो। ग्राफ्टन को आजकल काफी हेट मिल रही है और उन्हें ब्लेम किया जा रहा है कि ऑग्स अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और इश्यूज पर भी बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले ORGS की बात करें तो कुछ ओनर्स जिनके पास बड़े पैसे हैं लेकिन ई स्पोर्ट्स या गेमिंग का कोई आइडिया नहीं, वो मार्केट में ना आए। इन्होंने सोचा था जल्दी पैसा कमाएंगे, पर बिना मैनेजमेंट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के इन्होंने टॉप 10 लाइनअप्स को खरीद कर अपने हाथ चला लिए। रिजल्ट ये हुआ कि ज्यादातर ऑग्स 8 महीने के अंदर ही बंद हो गए। पिछले 2 सालों में कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। मुझे लगता है ये लोग इसके लायक थे, और आगे आने वाले समय में हम और भी ऐसे क्लूलेस ओनर्स देखेंगे जो न तो ऑग्स समझते हैं और न चलाना जानते हैं। इनका बस क्लाउड चाहिए जो टैलेंटेड प्लेयर्स की स्किल्स के कॉस्ट पर आता है। पुराने ऑग्स जो अपनी ऑपरेशन सस्पेंड कर रहे हैं, मुझे लगता है जो ऑग्स 3 साल या ज्यादा तक टिके हैं उन्हें पता है ई स्पोर्ट्स कैसे काम करता है। इंडिया वो मार्केट नहीं है जहां कंटिन्यूअसली एक टाइटल पे पैसा लगाओ जब तक ROI ना मिल जाए। अब प्लेयर्स की सैलरीज के डिमांड्स भी बढ़ रही हैं और ये एक टफ सिचुएशन हो गई है, ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन अपने और के इंटरेस्ट को एक पर्टिकुलर गेम से ऊपर रखना जरूरी था। अब प्लेयर्स की बात करें तो इसके लिए मैं अलग से वॉइस नोट भेज रहा हूँ। क्राफ्टों की बात करें तो मुझे लगता है कि गेम का करंट स्टेट इस डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है। अगर गेम के सर्वर इश्यूज इतने टाइम तक सॉल्व नहीं हो रहे तो यह क्राफ्टों की इनकॉम्पिटेंस दिखाता है। बैड स्टेट ऑफ गेम से कैजुअल प्लेयर्स का इंटरेस्ट गिरता है और फिर कॉन्टेंट कंजम्पशन भी गिरता है। पर मेरी ओपिनियन ये है कि ई स्पोर्ट्स कॉन्टेंट ही BGMI को जिंदा रखा हुआ है। हर महीने ऑग्स बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रोड मैप नहीं है, हम ROI कैलकुलेट नहीं कर सकते, स्पॉन्सर्स को पिच करना मुश्किल है, कोई पॉइंट नहीं है इवेंट जीतने का क्योंकि अगले इवेंट में हमेशा जीरो से शुरू करना पड़ता है। सिस्टम ऐसा है कि अगर एक इवेंट जीत भी जाओ तो अगले में तुम पहले 3 राउंड्स में अनलकी हो सकते हो। थर्ड पार्टी इवेंट्स और ऑफिशियल इवेंट्स के हैंडलिंग पर मुझे काफी कंसर्न्स हैं। मैंने सुना है कि TPT लाइसेंसेस लेना मुश्किल है, लेकिन मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा लगा है। मुझे लगता है क्राफ्टन इन इवेंट्स को बेटर सपोर्ट दे सकता है। और एक और चीज, वॉच पार्टीज को अब मना कर दिया जाता है। पहले जब हमको डॉलर 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 में पे किया जाता था, अब फ्री में परमिशन नहीं मिलती। मैं क्राफ्टन इंडिया टीम को जरूर अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि उनका काम हार्ड होता है और वो बेस्ट इवेंट्स डिलीवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये फीडबैक है, रांट नहीं। मुझे लगता है क्राफ्टन थोड़ा और लिबरल हो जाए तो चीजें और स्मूथ हो। एंड इसके बाद हम बात करते हैं स्लग से रिलेटेड, तो आप लोगों को भी पता ही, उनके ब्रॉडकास्ट चैनल पे हमारे को काफ़ी मैसेजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी भी देखने को मिलती हैं जिसमें वो बहुत गलत वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, एंड ऐसी काफ़ी वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल भी हो रही है ट्विटर पर, तो इस चीज़ से रिलेटेड भी हमारे को लेट्स ग्रो बात करते हुए दिखाई दिए। एंड ऑब्वियसली वो वाली वीडियो तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिखा सकता। एंड इसके बाद वहाँ पे बात करिए लेट्स ग्रो ने, जहाँ पर ये चीज़ बोली कि जो GE की मैनेजमेंट है उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि ये बंदा जो है एक बहुत बड़ी ट्रबल में फंसने वाला है किसी दिन। एंड वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि कुछ रीज़न है जो वो सीन से रिलेटेड नहीं बोल रहे हैं, एंड कुछ लोगों को सीखने की जरूरत है, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो ऋषि भाई हैं वो बात करते हुए दिखाई देते हैं कि जो सैलरीज है वो काफ़ी इन्फ्लेटेड है ई स्पोर्ट्स में, एंड काफ़ी लोग फिर ये चीज़ पूछते हैं कि जो BGMI है क्या वो डेड होने वाला है, तो इस पे भी वो रिप्लाई करते हैं। सैलरी ऑफ BGMI रोस्टर एवरेज टियर 1 BGMI सैलरी 1 to 2 lakhs इन्फ्लेटेड, अनफॉर्चुनेटली इट शुडंट, जस्ट इन्फ्लेटेड बोल दे, डोंट से 1 to 2 lakhs, इन्फ्लेटेड इट शुडंट बी। किस बात का भाई 1 to 2 lakhs, किस बात का, क्यों, क्या एक्सपेक्टेशन है 1 to 2 lakhs का गेम खेलने के लिए? अरे क्यों, ऑक्स तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अच्छा, BGMI इज डेड इन नेक्स्ट 2 इयर्स मार्केट, नो नो चलेगी ब्रो, गेम बहुत चलेगी, डोंट रियलाइज। अगर आई विल से इट अगेन, इफ BGMI हैज 200 मिलियन डाउनलोड्स एंड 20 मिलियन पीपल प्लेइंग इट एंड 1 मिलियन पीपल वॉचिंग ई स्पोर्ट्स, समझो esports does not equal to the game being dead. Game will do very well bro. There are millions of people that play the game जो कभी उसका e-sport कोई event देखते नहीं है, follow नहीं करते, जिनको कुछ नहीं पता e-sports कर रहे हैं, but game खेलने में बड़ा मजा आता है। Game खेलते हैं, login करते हैं, crates खोलते हैं, skins खोलते हैं। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर